हेलो सी यू ई टी एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी लोग? एंड जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा सी यू ई टी में सिलेक्शन हो जाएगा और उन्होंने अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया जाके, तो जाके ज़रूर फॉलो करो, ताकि आपके भगवान ऊपर से सुनेगा। अगर जिसने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, हो सकता है उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। ठीक है, एक बात याद रखियो, जो मेरे को फॉलो करेगा उसका 100% होगा एडमिशन। ठीक है, समझ रहे हो? इंस्टा पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब अपन बात करते हैं आज का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट इश्यू, राइट? क्या आ रहा है भैया, क्या इश्यू है पेमेंट के अंदर? सर, जैसे ही आप अपना सारा जो फॉर्म कंप्लीट करके लास्ट में जाते हो पेमेंट के ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट ने कार्ड से पेमेंट किया होगा, या फिर पेटीएम से किया होगा, या फिर फ़ोनपे से किया होगा, या फिर गूगल पे से किया होगा। ठीक है, तो क्या सीन हो रहा है भैया, कैसे क्या पेमेंट इश्यू आ रहा है? सर, जिन स्टूडेंट ने अपने कार्ड से या फिर स्पेशली फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे से होता है, आप लोग क्या करते हो, या तो वहाँ पे यूपीआई आईडी डालते हो, या फिर आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही जो है हम या तो यूपीआई से जो है हमारे गूगल पे फ़ोनपे के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आती है उस पर क्लिक करके हमारा पिन डाल के पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुल। हमारे ऐप के अंदर तो शो कर देता है कि पेमेंट हो गया, लेकिन जो हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसके अंदर जो ऐप है सी यू ई टी वाला, ठीक है, जो वेबसाइट है, वो पेमेंट कैप्चर नहीं कर पाता है और वहाँ पे पेमेंट डिनाइड दिखा देता है कि पेमेंट नहीं मिला या फिर कोई एरर आ जाता है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कार्ड वाला। जैसे ही मैंने किसी कार्ड से पेमेंट किया, पेमेंट तो कट चुका है बैंक से, ठीक है, एंड बट जो है पेमेंट गेटवे पे नहीं शो कर रहा है कि पेमेंट नहीं आया। ओके, इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए भैया, कैसे सोल्व किया जाए इसको, हमारा पेमेंट का क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो है आप लोगों ने सोचा होगा कि पेमेंट वापस आ जाएगा, लेकिन पेमेंट भी नहीं आया, हमारा फॉर्म भी नहीं भरा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, राइट? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप जो है पेमेंट करते टाइम नेट बैंकिंग का यूज़ करने की कोशिश करें, अगर आप लोगों के पास है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंडीशन में आप कर सकते हो, आप एक अच्छे बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करें, ठीक है। अब जो स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट ऑलरेडी डेबिट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, उनको क्या करना है? सर, जो आपका जो पेमेंट जो है कट चुका है, वो मैं आपको रीजन बताता हूँ वाई ये मतलब क्यों पेमेंट इश्यू आ रहा है। जनरली क्या होता है, जैसे जो है बहुत सारे लोग पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे होते हैं, तो सर्वर में इश्यू हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो जो है पेमेंट फेच नहीं कर पाता, ठीक है, डिटेल ठीक से उनको मिल नहीं पाती। जो आपका जो पेमेंट है वो अटक जाता है बैंक के अंदर ही। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, विद इन 20 से 30 दिन के अंदर, 1 महीने तक का टाइम लगता है ऐसे फॉर्मों के अंदर, तो अमेजोन में तो जस्ट 1 दिन में हो जाता है, लेकिन इनके अंदर ना 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा, जिससे भी आपने पेमेंट किया। अब जिन स्टूडेंट का पेमेंट का इश्यू आया है, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है फिर से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2 बार पेमेंट हो चुका है, 800-1600 रुपये चले गए भैया, चल कोई चक्कर नहीं, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, सॉरी हेल्पलाइन ईमेल आईडी दिया गया है, उसके ऊपर जो है आप ईमेल भी डाल सकते हो, लेकिन हालांकि ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है वो बैंक देखता है, तो जो भी आपका पेमेंट कटा है वो वापसी रिफंड इनिशिएट कर दिया जाता है, और आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के अंदर जिस मेथड से आपने किया, चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, कार्ड, आपका जो रिफंड है आपके बैंक में वापस डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक इश्यू था। एंड रिगार्डिंग द एडमिशन, आपको कोई क्वारी हो कि भैया हमको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए जो हमारा मिशन गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम चलता है सी यू ई टी का, या फिर आप काउंसलिंग मेंटोरशिप प्लान भी ले सकते हो, जिसके अंदर हमारी जो टीम है वो फुल ट्राई करती है कि आपका 100% एडमिशन हो जाए इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।